नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने वाले देश विदेश के मेहमानों को लखनऊ अयोध्या हाईवे राम में नजर आए। इसके लिए हाईवे किनारे स्थित तमाम ढाबे और पेट्रोल पंप को अयोध्या की थीम पर सजाया जाएगा, जिसको लेकर बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभागार में प्रेसवार्ता की। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अयोध्या हाईवे को इस तरह सजाए जाने की रूपरेखा तैयार हुई है कि जाने वाले मेहमानों को यहीं से ही अयोध्या के दर्शन होने लगे। कि अयोध्या की ओर जाने वाले जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, उन सभी को जो जाने वाले जितने दर्शनार्थी हैं, उनके दृष्टिगत सौंदर्यीकरण किया जाए, सभी सुविधाओं से उनको युक्त किया जाए। इसको लेकर जो सबसे प्रमुख मार्ग है जो कि हमारे लखनऊ को अयोध्या से जोड़ती है, वो हमारे बाराबंकी से होते हुए जाती है। इस मार्ग पे जितने भी हमारे साइनेजेस हैं, उन सबको NHAI के माध्यम से हम लोग परिवर्तित करके जैसा बहुभाषीय साइनेज होना चाहिए उस तरीके का उसको कराया जाएगा। जितने भी शौचालय हैं तो हमारे पेट्रोल पंपों के अंतर्गत हो या फिर ढाबे पे हो, उन सभी को सही कराया जाएगा। औरैया अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रूपपुरा निवासी एक व्यक्ति ने दबंगों पर मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि मामले की जानकारी उसके द्वारा पुलिस से भी की गई, मगर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने पुलिस महानिदेशक को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। अजीतमल कोतवाली के ग्राम रूपपुरा निवासी सुरेंद्र पाल ने पुलिस महानिदेशक को भेज प्रार्थना पत्र में बताया कि वो सिविल कोर्ट इटावा में दीवानी की वकालत करते हैं। गांव में उसकी भूमि है जिसमें हिस्सेदारों का बंटवारा होकर उत्तर दिशा की ओर मिला है। उत्तरी पूर्व कोने पर उसकी जमीन में कुआं बना है तथा कुएं के उत्तरी कोण पर पश्चिम की तरफ भगवान शंकर का देवस्थान बना हुआ है। इसी देवस्थान का वो निर्माण करा रहे हैं। आरोप लगाया कि उस स्थान पर विपक्षियों द्वारा गुंडागर्दी के बल पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी के यहाँ वो लोग झूठे प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। अंदेशा जताया कि उक्त दबंग लोग किसी भी समय उनके साथ कोई उसके परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए उचित कार्रवाई की जाए। हमारा मामला क्या है, ये हमारा ये कुआ है, ये बहुत पुराना है, 1950 का बना हुआ है ये कुआ, और इसी के पास में ये भोले बाबा का मंदिर है। तो ये मंदिर इस मकसद से बनाया गया, जैसे लोग बाग जैसे पुराने लोग थे पूजा पाठ करते थे, उसके बाद वेदनाथ में धुलने के बाद पूजा पाठ करने के लिए बना हुआ था। तो अभी क्या था, पुराना बहुत मंदिर बहुत पुराना बना हुआ था, तो हम उसको अभी डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो कुछ लोगों जो आस्तिक नास्तिक लोग होते हैं ना, भगवान को ना मानने वाले, तो उन लोगों ने उस पर रोकथाम लगा दी कि भाई ये अब मंदिर आप नहीं बना सकते हो। उनकी मंशा ये है कि यहाँ हमारे धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा ना मिले इस मकसद से, और उनका पैसा भी यही रहा है, भूमि माफिया से रिलेटिव भी रहे हैं, क्योंकि जो बंदा एक्स सर्विसमैन रहा हो उसके किसी भी चीज़ को आबादी में हिस्सा नहीं मिलता है, आबादी नहीं मिलती, लेकिन उन लोगों ने ये भूमाफिया टाइप के लोग हैं। कानपुर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कानपुर नगर के पूर्व पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालता प्रसाद दरियावदी के 44वां पुण्यतिथि मनाई गई और उनके कार्यों को याद किया गया। वहीं शहर के लाटोश रोड स्थित चौराहे पर लगी स्वर्गीय लालता प्रसाद फरियादी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं कानपुर शहर कमेटी के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी ने बताया कि स्वर्गीय लालता प्रसाद एक ऐसी शख्सियत थे कि एक बार कांग्रेस पार्टी के पार्षद तथा कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष के साथ साथ समाज सेवी भी थे। उनकी पत्नी कमला दरियावादी दो बार की विधायिका भी रही हैं, इसके साथ ही समाज की सेवा की है। उनके बाद उनके बेटे सजीव दरियावादी दो बार कांग्रेस के विधायक रहकर समाज की जरूरतों को पूरा करते रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि में कानपुर शहर के कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माला पहनाकर उनको याद किया गया और प्रतिज्ञा की कि उनकी बनाई हुई नीतियां और समाज सेवा से जुड़कर काम कर रहे आम जनमानस की मदद करते रहेंगे।
शहर का एक बड़ी अजीम शख्सियत, बड़ा नाम, मरहूम लालता प्रसाद दरियावादी जी, जो इस शहर कांग्रेस कमेटी के उस वक्त समय के उपाध्यक्ष भी थे, पार्षद रहे, समाज सेवी थे, और उसके बाद उनकी पत्नी कमला दरियावादी जी यहाँ पर दो बार विधायक रहे, उनके दो बेटे, उनके बेटे दो बार विधायक रहे, संजीव दरियावादी जी। आज उनकी पुण्यतिथि है 44वीं, जिस पर शहर कांग्रेस कमेटी कानपुर उत्तर ने आज गोष्ठी का आयोजन किया था, श्रद्धांजलि सभा का। पीलीभीत में दबिश देने गए पुलिस के सिपाही को गोली लग गई। अपहरण मामले में आरोपी के घर पुलिस टीम दबिश देने गई थी। गंभीर रूप से घायल सिपाही को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते एक माह पूर्व विवाहिता के अपहरण मामले में पूरनपुर थाना क्षेत्र के रामपुरा कोण गांव में दबिश देने पुलिस गई थी। मौके पर सीओ सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहे। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें कि आज हमारी पुतवाली पुलिस टीम सूचना प्राप्त है और एक महिला की बरामदगी के लिए महिला पुलिस के साथ वहाँ पर पूरा गांव पहुँचे थे और उन्होंने दरवाज़ा खटाया। उसके बाद दरवाज़ा खोलने के बाद उसने जो है एक महिला निकली, उन्होंने बताया कि भाई आपका कागज आया है, गेट खोल दीजिए। किलो अंदर के गेट नहीं खोलने के बाद किलो काफ़ी दिन दरवाज़ा खटाया, लेकिन हमारे एक आरक्षी ने दीवार के सहारे देखने घुस गया कि कौन अंदर है। अंदर से फायर हुआ और उसको पेट में गोली लगी है और शाहरुख नाम का हमारा एक आरक्षी घायल हुआ है। झांसी में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर हुआ है, जहां बीते दिवस सोशल मीडिया पर अटल एकता पार्क का कुछ व्यक्तियों द्वारा अश्लील प्रदर्शन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने तत्काल थाना सीपरी बाजार को उक्त अश्लील हरकत करने वाले युवक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। वहीं सीपरी बाजार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अश्लील हरकत करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित अटल एकता पार्क में कुछ लोगों के द्वारा फोड़ता की गई है, जिसके संबंध में उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में बीती रात एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने 1,00,000 के इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय को मार गिराया। विनोद का नाम प्रदेश 61 बड़े माफियों में शामिल था और इस पर हत्या समेत करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। दरअसल विनोद उपाध्याय अयोध्या जिले के माया बाजार का रहने वाला था। लखनऊ गोरखपुर बस्ती संत कबीर नगर में इसने हत्या समेत कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद गोरखपुर पुलिस ने इस पर 1,00,000 का इनाम घोषित कर दिया था। एसटीएफ माफिया विनोद उपाध्याय की पिछले कई महीनों से तलाश कर रही थी। बीती रात सटीक मुखबरी मिलने पर देहात कोतवाली क्षेत्र में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने इसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन सरेंडर करने के बजाय उसने पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में इसे भी गोली लगी। आनंद फानंद में इसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने विनोद उपाध्याय को मृत घोषित कर दिया। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस विधिवत कार्रवाई में जुटी हुई है। सहारनपुर जनपद में पुलिस के द्वारा बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। थाना रामपुर महिनहारन पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 रुपये का इनामी एक गौकश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन गश्त और चेकिंग की जा रही है। 4 जनवरी 2024 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन में फोर्स द्वारा अंबाला देहरादून हाईवे रोड के नीचे अंडरपास के नज़दीक चेकिंग की जा रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल जिस पर 2 व्यक्ति सवार होकर चुनहटी रोड की तरफ ग्राम पाहुसू की तरफ जाने वाले रास्ते पर आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया। वो नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर वापसी चुनहटी रोड पर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को पीछा किया गया तो घना कोहरा होने के कारण उनकी मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गई। पुलिस टीम को अपने नज़दीक आता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर दोबारा फायरिंग कर गन्ने के खेतों की तरफ भागने लगे। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था में इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया और उसका एक अन्य साथी अंधेरे और घने कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु कंबिंग की जा रही है। कानपुर में नए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने पदभार संभाला है। साथ ही ज्वाइंट सीपी और सभी डीसीपी के साथ कानपुर सर्किट हाउस में बैठक की।
सभी अधिकारियों से बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले अपराधी और माफिया को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। थानों पर फरियादी महिलाओं के प्रति पुलिस के व्यवहार को सुधारने पर भी प्रमुखता रहेगी। सभी डीसीपी को अपने जोन में पुलिसिया कार्रवाई बेहतर रखनी होगी। मीडिया खुलकर पुलिस की जो खामियां लिखे, जो भी खामियां हैं वो लिखे, तभी व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। साथ ही कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सुधार करेंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें मतलब असेसमेंट की बात है। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर होते हैं और ऐसा नहीं होगा, आई एम श्योर की डिफरेंट लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऐसा मैं आपकी बात ले रहा हूँ। बट मेरे पास मुझे लगता है कि 100% नहीं होगा, कुछ हुआ होगा और यहीं पे हम लोगों का रोल है। आप लोगों से फीडबैक आएगा, फिर हम उस पर वर्क करेंगे और आप लोगों की मदद चाहिए होगी। आप लोग जहां जहां कमी है प्लीज बताइए, आपका रोल इंपॉर्टेंट है, खुल के लिखिए जहां हमारी कमी है। आई विल बी हैप्पी टू नोट दैट। बहराइच में नए एसपी वृंदा शुक्ला ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आईपीएस वृंदा शुक्ला मूल रूप से हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली है। उनकी शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई। इसके बाद उन्होंने पुणे के महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ इंडिया में ग्रेजुएशन किया। फिर वो लंदन चली गई, जहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस में उन्होंने पढ़ाई की। आईपीएस वृंदा शुक्ला आज चर्चा के केंद्र में है। दरअसल पिछले दिनों एसपी वृंदा शुक्ला ने चित्रकूट जेल में रेड मारी, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की बहू निकत अंसारी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अब तक जेल के भी तमाम अफसर कर्मियों पर एक्शन हो चुका है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिले में कितना अपराधियों को क्या सबक सिखाती हैं और लोगों को न्याय दिलाने में कितना सक्षम होंगी। महोबा में आरटीओ विभाग के अधिकारी पर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी को धमकाए जाने से भड़के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर नारेबाजी की और नामजद तहरीर देकर एआरटीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिखने की मांग की है। एआरटीओ अधिकारी पर लाइसेंस नवीकरण में पैसा मांगने के भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने एआरटीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक तहरीर कोतवाली में दी है। बताया जाता है कि महासंघ के मंडल प्रभारी दीपक शुक्ला को जान से मारने की धमकी और फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी दी थी, जिस पर कोतवाली में पहुंचे महासंघ के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुकदमा लिखने की मांग की है। विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी दीपक शुक्ला बताते हैं कि उसका भाई ब्रज बिहारी शुक्ला का ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण को लेकर एआरटीओ अधिकारी 3 माह से चक्कर लगवा रहा था। आरोप है कि लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर पैसों की मांग एआरटीओ द्वारा की जा रही थी। अमेठी में देर रात्रि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, साथ ही मुठभेड़ में एक आरक्षी भी घायल हो गया। घटना में बुरेरो गाड़ी, 2 तमंचा और जिंदा कारतूस सहित खोखा साथ ही 33,500 रुपये बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के जामू भादर रोड का है। आज रात्रि में पुलिस द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान मुंशीगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 सातर अपराधी बुलेरो गाड़ी से आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया और घेराबंदी की गई तो जामो भादर रोड पर इस गाड़ी को रोका गया। इन बदमाशों ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें एक आरक्षी के हाथ में गोली लगी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें कन्हैया नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके साथ ही दीपक और मकसूद नाम के 2 अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बुलेरो गाड़ी, 33,500 रुपये व 2 तमंचे बरामद हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में साइकिल सवार युवक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला बछरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर गांव का है। अब हरिद्वार में भी आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हो सकेंगे।
यहां के मौजूदा भल्ला स्टेडियम की क्षमता बढ़ाकर इसे इंटरनेशनल मानकों के तहत विकसित किया जा रहा है। हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। योजना के पहले चरण में मैदान और पिच को तैयार किया जा रहा है और उसके बाद 40,000 से 50,000 की ऑडियंस के बैठने के लिए स्थान बनाए जाएंगे। निर्माणधीन स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे HRDA के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने बताया कि हरिद्वार में खेल प्रतिभाओं को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए ही हरिद्वार में बड़े मैच हो सके, इस उद्देश्य से स्टेडियम का विस्तार किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्टेडियम का फायदा खेलों के विकास और खिलाड़ियों को मिल सकेगा। और काफ़ी मतलब खेल प्रेमी भी हैं, काफ़ी क्लब्स भी यहाँ खेल रहे हैं, तो हम लोगों का और ये भी था आशा थी कि आगे जाके हम कुछ और अच्छे मैचेस करा पाएँ। इधर हम लोग लाइट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे, जो फ्लड लाइट्स रहती हैं, जो रात के जो आपके मैचेस होते हैं वो भी हम यहाँ ऑर्गेनाइज करा पाएंगे। एम ये है कि एक ग्राउंड जो रहता है वो तो इंटरनेशनल लेवल का हम बनाएंगे ही, इसमें सारी फैसिलिटीज़ हम देंगे जो एक इंटरनेशनल ग्राउंड में रहती है। जो फेज़ वन रहेगा उसमें हमारा पहले है कि हम ग्राउंड को कॉम्पिटेंट बनाएँ कि वो एक सफिशिएंट जो हमारे डाइमेंशंस रहते हैं उसको क्वालिफाई करे। सितारगंज भूमि विवाद के चलते आगजनी का मामला सामने आया है। आगजनी की घटना में वृद्ध की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने बुजुर्ग को की हत्या करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पैरपुरा निवासी सरबजीत सिंह पुत्र गुरलाल सिंह ने पुलिस की दी तहरीर में आरोप लगाया है कि 3 जनवरी की रात वो परिवार के साथ छप्पर में सो रहा था। अचानक उसके छप्पर में धुआं उठने लगा। जब दंपती छप्पर से बाहर निकले तो तेज लपटों ने छप्पर को घेर लिया। आरोप है कि इस दौरान भूमि विवाद में सम्मिलित 3 आरोपी मौके पर भागते दिखे गए। इसके बाद उसके पिता के अंदर होने के कारण वो आग की लपटों की चपेट में आकर पूरी तरह से झुलस गए। दंपती के चीखने चिल्लाने पर पड़ोस के लोग आ गए। आगजनी की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग को फैलने से रोका। आग से उसका घरेलू सामान बैग में रखे रुपए जल गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि भूमि विवाद की रंजिश के चलते उसके परिजनों को आरोपियों ने हत्या कर दी है। उसने पुलिस से मामले में सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने हमारे घर को आग लगा दी। रात 10:30 बजे के लगभग हम सो रहे थे अपने घर पे। हमारे पापा जी उन्होंने भर्ती कर रखा है। इकबाल सिंह बुंदा रखा था झगड़ा जी, हमने अपने पेट में छप्पा डाल रखा था। ठीक है सर, तो ये दो बार आए वहाँ से निकले भी है। उन्होंने कहा था कि हम कुछ ना कुछ, लेकिन हम सो रहे थे अपने घर में, हमने देखा धुआं निकल रहा, दोनों मियाँ भी भागे, तो तब तक आग पूरी पकड़ चुकी थी। उन्होंने मैंने भागते हुए देख लिया था। जनपद के देव प्रयाग विधानसभा के विकास खंड कीर्ति नगर के प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनय कुकसाल को 1 माह के निलंबन के आदेश को लेकर प्रधान संगठन कीर्ति नगर ने ब्लॉक सभागार में बैठक आयोजित कर प्रधान सुनय कुकसाल के निलंबन को लेकर आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि ग्राम पंचायत पेंडुला के प्रधान सुनय कुकसाल ने अपनी ग्राम पंचायत में लगी सोलर लाइट को लेकर शिकायत की थी। वहीं अब प्रधान सुनय कुकसाल को 1 माह के लिए निलंबन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब प्रधान अपनी ही ग्राम सभा की शिकायत करता है और उनकी इस शिकायत में उन्हें ही दोषी करार दिया जाता है। वहीं उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन की ओर से एकपक्षीय एक कार्रवाई की है, जिससे साफ पता चलता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला प्रधान भी मौजूद रही। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वो अपने अपने ग्राम सभा के मोहरे विकासखंड कीर्ति नगर में जमा करवा देंगे। ज्ञापन हम दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी जी को दे रहे हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं अध्यक्ष जी पे कि लाइटों का गबन किया गया है, ऐसे आरोप हमने भी अभी सुने हाल ही में, तो बड़े दुख का विषय है कि ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं जबकि उनकी पूरी लाइटें लगा रखी हैं। तो इसमें जांच टीम में पाए गए कि 8 लाइटें जबकि अध्यक्ष जी के उसमें हमें लगता है कि पूरी लाइटें वहां लगाई। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ द्वारा कल 26 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के
कल 26 जनवरी को हरिद्वार दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल तथा संबंधित अधिकारियों सहित बाबा रामदेव ने कार्यालय कार्यक्रम स्थल स्वामी दशानंद गुरुकुल महाविद्यालय का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। आज सीसीआर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नंगनियाल और एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र डोभाल द्वारा आमजन और यात्रियों के खोए हुए विभिन्न कंपनियों के कुल 353 मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में खोए मोबाइल फोनों की बरामदी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर क्राइम सेल ने करीब 55 लाख रुपए के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनमें से कई मोबाइल फोन विभिन्न राज्यों से आए तीर्थयात्रियों के हैं, जबकि कुछ मोबाइल फोन स्थानीय निवासियों के हैं। इस दौरान साइबर सेल टीम ने समस्त थानों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण के आधार पर मोबाइल फोनों को बरामद करने के लिए सर्विलांस और अन्य माध्यमों की मदद ली। प्राप्त हुई लोकेशन के आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों की पुलिस से समन्वय स्थापित कर गुमशुदा मोबाइलों को हरिद्वार मंगाया गया। विगत वर्ष में खोए हुए मोबाइलों को बरामद करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के क्रम में हरिद्वार पुलिस द्वारा अब तक कुल 1,61,00,000 बाजार कीमत के कुल 1,376 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। हमारे हरिद्वार पुलिस के द्वारा साइबर टीम के द्वारा ये रिकवरी की गई है और साथ ही पुलिस थानों के द्वारा भी रिकवरी की गई है। इसमें आज टोटल 315 मोबाइल फोन जो लगभग 55 लाख की कीमत का है वो अभी बंटवारा किया गया है। देख रहे हैं बहुत सबके चेहरे पर प्रसन्नता है और इस तरह से 1310 पूरे अभी तक में मोबाइल बरामद करके लोगों को बांटा जा चुका है, जो जिसकी कीमत टोटल जो 2 करोड़ के आसपास है। तो ये हरिद्वार पुलिस को मैं बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम किया और लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता खुशी लाने का काम किया है। निस्संदेह मोबाइल ऐसी चीज़ है, यदि खो जाती है तो बड़ा दुख होता है फिर उसके बाद। तो आज मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे में हंसी है, खुशी है, प्रसन्नता है। तो इसके लिए हमारे हरिद्वार पुलिस की टीम और साइबर टीम दोनों ही बधाई के पात्र हैं। इन सबको मैं अपनी ओर से पुरस्कार की घोषणा भी करता हूँ आज मैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।